नमस्ते मेरे प्यारे YouTube फैमिली कैसे हैं आप लोग आज मैं आप लोगों के साथ मूली की बिल्कुल नई रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ये ना तो पूरी है ना पराठा है ना ही सब्जी है ना भुजिया है ना अचार है और ना ही बड़ी है इसलिए ये बहुत ही ख़ास और मज़ेदार रेसिपी होने वाला है बिल्कुल नया आज से पहले ना आपने देखा होगा ना सुना होगा और ना ही खाया होगा इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा पसंद आने पर एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा यहाँ पे मैं कुछ मूलियाँ ले ली हूँ मैं रेसिपी आपको बता करके दिखा रही हूँ जिसे आप अगर बनाती हैं तो सोचेंगे कि काश पहले पता होता और आप डेली यही कोशिश करेंगी बनाने का तो यहाँ पे चारों तरफ यानी कि दोनों साइड से मूली को कट कर लेना है जो कि वेस्ट पार्ट होता है फ्रेंड्स आप जो आगे का मूली का जो भाग होता है जिसमें हरे हरे पत्तियां लगी रहती हैं उसे अगर हल्का सा कट करके आप मट्टी में यानी कि लगा करके उसे छोड़ देती हैं तो कहीं ना कहीं इससे आपको फ़ायदा है मूली के पत्ते भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको मूली भी मिल जाएगी तो ये थी इस वीडियो की टिप्स एंड ट्रिक्स तो यहाँ पे मैं सारी मूली को कट करके ले ली हूँ अब इसे अच्छे तरीक़ा से आपको छील देना है क्योंकि फ्रेंड्स अक्सर क्या होता है मूली मिट्टी के नीचे होता है तो कितना भी हम लोग साफ कर ले क्लीन कर ले लेकिन कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा थोड़ा डस्ट रहता ही है और साथ ही साथ थोड़ा गंदगी भी रहती है इसलिए छील लेने से हमारा मूली अच्छे तरीक़ा से क्लीन हो जाता है यहाँ पे देखिए मैं क्लीन कर ली हूँ और इसे मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी आप ढेर सारा बना सकती हैं क्योंकि गारंटी देती हूँ अगर आप इस रेसिपी को बना रही हैं तो मार्केट से सारा मूली खरीद करके आप अपना ही घर लाइएगा और इसे हमेशा ट्राई कीजिएगा बना करके रोज बना करके खाइएगा बड़े बच्चे सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला रेसिपी है अब इस मूली को एक साफ़ सुथरा बाउल में ले लेना है और इसमें आपको थोड़ा सा पानी डाल के अच्छा से क्लीन कर देना है क्योंकि जो मूली घिस रहे हैं यानी कि हम लोग साफ़ कर रहे हैं उसमें जो थोड़ा थोड़ा रेसा होता है उसे भी निकालना बहुत ज़रूरी है देखिए पानी हल्का गंदा हो गया है और यहाँ पे हमारा मूली साफ़ होकर तैयार है अब क्या करना है आपको एक मूली ले करके चाकू के सहायता से लंबा लंबा थोड़ा गहरा इसमें होल कर देना है आप देख रहे हैं जिस टाइप से मैं कर रही हूँ उसी टाइप से आपको करना है नहीं तो आप छोटे छोटे होल भी चाकू के सहायता से कर सकती हैं मैं लम्बा क्यों कर रही हूँ वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फैमिली प्लीज प्लीज प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए यहाँ पे सारा मूली में मैं होल कर ली हूँ अब इसे फिर से एक बाउल में ले लेना है उसके पहले यहाँ पे मैं कुछ आपको यूनिक रेसिपी बता रही हूँ तो यूनिक टाइप से तो यहाँ बाउल में मैं थोड़ा सा हल्दी ली हूँ और थोड़ा सा मिर्च का पाउडर ली हूँ साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा धनिया का पाउडर और थोड़ा सा खड़ा जीरा ली हूँ फैमिली ये रेसिपी आज से पहले आप कभी भी नहीं खाई होंगी ना देखी होंगी मसाला से कहीं आप ये मत सोचिएगा मैं बड़ी बना रही हूँ या पराठा बना रही हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे थोड़ा सा कूटा हुआ पीला सरसों भी ले ली हूँ इसमें आप थोड़ा सा आपको पानी डालकर अच्छे तरीका से मिला लेना है फैमिली प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो थोड़ा सा भी अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए लाइक और सपोर्ट करने से मुझे बहुत खुशी मिलेगी यहाँ पे मैं सारा मोली को डाल दी हूँ अपने मसाले वाले पानी में और इसे क्या करना है थोड़ा देर के लिए आपको रेस्ट पे छोड़ देना है ध्यान रहे जो आप मार्क कट का मार्क दी है सारी मूलियाँ में उसके ऊपर अच्छे तरीक़ा से इस मसाले वाले पानी को डाल दीजिएगा दस से पंद्रह मिनट हो जाने के बाद यहाँ पे मेरी सारी मूली कहीं ना कहीं फ्लेवरफुल हो गई है यानी कि इसमें मसाला का पानी जो मैं रखी थी उससे इस मूली में स्वाद आ गया है जीरा का सारे मसाला का देखिए यहाँ पे कितने अच्छे तरीका से हल्का येलो भी हो गया है हमारा मूली और इसे आप एक एक करके पानी झाड़ते हुए यानी कि थोड़ा सा भी पानी इसमें नहीं रहना चाहिए आपको साफ़ सुथरे प्लेट्स में निकाल लेने हैं फैमिली प्लीज़ अभी तक भी अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो किस बात की देरी है कर लीजिए यहाँ पे ये जो पानी है मसाला वाला उसे आपको वेस्ट नहीं करना है इसे आपको साइड में रख देना है इसका क्या यूज़ है वो मैं आपको आगे बताऊँगी अब आपको क्या करना है एक साफ़ सुथरा प्लेट ले लेना है प्लेट में आपको ग्रेटर की सहायता से मेरे पास छोटा वाला ग्रेटर है बड़ा वाला भी है लेकिन छोटा वाला से मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पूरा बारिक मूली का पीसेस चाहिए तो इस तरीका से आपको सारे मूली को ग्रेट कर लेना है इसके पहले भी मैं बहुत सारा वीडियो अपलोड की हुई हूँ कुकिंग का तो आप सब एक बार ज़रूर देखिएगा पसंद आने पर प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यहाँ पे अच्छे तरीका से आपको मोली को ग्रेट कर लेना है ना तो ये पूरी है ना पराठा है ना ही मूली की बड़ी है ना नाश्ता है तो आखिर ये बन के क्या तैयार होने वाला है वो अंत तक आप ज़रूर देखिएगा मैं पूरी गारंटी देती हूँ हंड्रेड परसेंट गारंटी देती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा लाजवाब लगेगा और शायद आप वीडियो देखते ही बनाने के लिए दौड़ पड़ेंगे यहाँ पर सारा मूली को ग्रेट करके मैं ले ली हूँ देखिए कितना ज़्यादा बारीक है अब क्या करना है जितने भी मूली हैं सबको आपको ले करके और एक साफ़ सुथरा प्लेट में पानी को निकालते हुए रख लेना है क्योंकि मूली में बहुत ही ज़्यादा पानी होता है और फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी अगर मूली का आप रेसिपी बना रहे हैं और उसका अगर पानी निकाल रहे हैं तो मूली के पानी में बहुत ही ज़्यादा विटामिन्स होता है इसे आप पी भी सकती हैं या इसमें हल्का सा नमक हल्का सा मसाला चाट मसाला डाल करके और मूली के ऊपर या टमाटर के सलाद के ऊपर डाल करके भी पी सकती हैं यहाँ मैं पानी को वेस्ट नहीं कर रही हूँ अपने मसाला वाला पानी में ही मूली के पानी को डाल दूँगी मूली से मैं पानी क्यों निकाली हूँ क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि पानी हम लोग मोली में रख सकते थे वो मैं आपको आगे बताऊंगी अब इस तरीका से साफ सुथरा एक प्लेट लेके आपको उसमें थोड़ा सा मसाला डाल लेना है जिसमें सबसे पहले हल्दी मिर्च का पाउडर धनिया पाउडर और ये रहा गर्म मसाला पाउडर आप बहुत ही ज्यादा यूनिक रेसिपी है बार बार बता रही हूँ शायद ही आप कभी ऐसा रेसिपी देखी होंगे। अब यहाँ पे मैं ले हूँ गेहूँ का आटा और इसमें आपको थोड़ा सा चावल का आटा मिला हुआ है पूरा नहीं लेना है थोड़ा सा बचा के रखना है क्यों बचा के रखना है वो आपको आगे देखने को मिलेगा फैमिली इस तरीका से मसाले को पूरे अच्छे तरीका से आटा में मिलाने के बाद अब इसमें आपको ग्रेड किया हुआ मूली डाल देना यानी कि घिसा हुआ मूली डाल देना है पानी मैं इसलिए निकाली थी क्योंकि आटा में ज़्यादा पानी वाला अगर मूली देंगे तो कहीं ना कहीं गीला भी हो सकता है और कहीं ना कहीं ज़्यादा सख्त भी हो सकता है इसलिए इसे नॉर्मल टेम्परेचर में रखने के लिए और साथ ही साथ आटा और मूली को अच्छे तरीक़ा से मिलाने के लिए एक दूसरे में मैं पानी का वहाँ पर निकालने का इस्तेमाल की थी देखिए अच्छे तरीका से आपको आटा और मूली को पूरे अच्छे से गूंथ लेना है यानी कि एक दूसरे में मिला लेना है अब यहाँ पे जो मसाला वाला पानी है जिसमें मूली का भी पानी है और साथ ही साथ मसाला का पानी है वो आपको थोड़ा थोड़ा से करके आटा में डालना है और एक अच्छा सा आपको डो बना लेना है फैमिली प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद एक छोटा सा बेल आइकन बटन होगा घंटी जैसा उसे दबा के आप ऑल पे सेलेक्ट ज़रूर कीजिएगा किसी भी तरह की न्यू रेसिपी डालूँगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जरूर जाएगा यहाँ पे छोटे छोटे करके आपको चार लोई बराबर साइज में तैयार कर लेना है अब यहाँ पे स्टेप से गोल गोल करके बचे हुए आटा को आपको अपने हाथ में लगा करके वो स्टेप का बनाना है देखिए मैं जिस टाइप से बना रही हूँ आपको उसी टाइप से बनाना है बेलन की सहायता मत लीजिएगा बेलन से क्या होता है कि कभी कभी मोटा या कभी कभी पतला किसी भी साइड में रह जाता है तो आप साइड से पतला करते हुए इस टाइप का आप गोल गोल इसका बना लीजिएगा लोई का सेम प्रोसेस से आपको ये भी बनाना है फैमिली अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वीडियो को भी लाइक नहीं किए हैं इतना मेहनत कर रही हूँ इतने अच्छे से आपको समझा रही हूँ इतने प्यारे प्यारे यूनिक यूनिक रेसिपी बताती हूँ तो प्लीज़ इतना सा तो बनता है कि एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए देखिए यहाँ पे मैं चार बना करके तैयार की हुई हूँ ये जो बचा हुआ मूली जो मैं थोड़ा सा बचा ली थी अब क्या करना है इसे अच्छे तरीका से ले करके आपको अपने सारे रेसिपी पे डाल देना है बड़े हो बच्चे हो या घर के कोई भी सदस्य हो एक बार इस रेसिपी को आप बनाइए चटपटी मसालेदार रेसिपी को और इसे एक बार बस बच्चों को खिला दीजिए या बड़े को खिला दीजिए गारंटी देती हूँ कि हमेशा आप इसे चाय पे नाश्ता पे बच्चों के टिफ़िन में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा कम से कम सप्ताह में आप छः दिन तो गारंटी ले लीजिए लिख लीजिए कि आप यही बनाइएगा अब इसके लिए मैं पैन गरम कर ली हूँ पैन हमारा गरम हो गया है थोड़ा थोड़ा उसमें रिफ़ाइन ऑयल लगा दी हूँ ब्रश से आप सरसों का भी ऑयल लगा सकती हैं ब्रस नहीं है तो आप किसी भी कलछी वलछी से आप इसे फैला सकती हैं अब इसमें सारे रेसिपी को यानी कि मूली की, की रेसिपी को डाल करके और थोड़े थोड़े से ऊपर से आपको ऑयल लगा देना है रिफाइंड ऑयल सरसों ऑयल जो भी है आपके पास अवेलेबल आप इसमें लगा दीजिएगा और साइड साइड से भी थोड़ा थोड़ा आपको चारों तरफ से तेल लगा देना है ताकि जो ये आपका रेसिपी है वो पैन में ना छिपके देखिए कितना ज़्यादा लजीज लग रहा है कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है तो फैमिली यहाँ पे मेरा बन के तैयार है बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही यम्मी बहुत टेस्टी सारे रेसिपी तो थी ना ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक रेसिपी टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए मैं आपको सर्व करके दिखा दी हूँ आप अच्छे से कुक कर लीजिएगा देखिए यहाँ पे बन के तैयार है हमारा यमी यमी गरम गरम सा मूली कर न्यू नाश्ता कीजिए ब्रेकफास्ट कीजिए रेसिपी कहिए जो आपको कहना है कटलेट कहिए आप कह सकती हैं देखिए मैं अंदर से भी आपको कट करके दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है लग रहा है जैसे वीडियो में से निकाल करके खा लूँ तो फैमिली आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा पसंद आने पर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा मिलती हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू